बेटा याद करके आया? किसको सर? कल के लेसन को। नहीं सर, वो तो याद नहीं किया, लेकिन अपने गर्लफ्रेंड को याद करके आए। तेरी याद 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 में तेरे भेजिया ओ सावरिया। बेटा शुक्र मनाओ कि आज हम घर पे छोड़ के आए। क्या छोड़ के आए सर? डंडा। अच्छा डंडा, हमने सोचा कल छोड़ के आए हो। बेटा विद्यार्थी हो, विद्यार्थियों की तरह रहो। अगर हमसे ज्यादा विद्यार्थी क्या होता है सर? अरे विद्यार्थी का मतलब होता है विद्या का अर्थी, है ना सर? एक चाटा मार देंगे तो तेरी अर्थी निकल जाएगी बदतमीज का। टीचर को मजाक समझ कर रखा है। वैसे सर टीचर का मतलब क्या होता है? अरे तुमको टीचर का मतलब भी नहीं बताएगा। टीचर का मतलब होता है चार कप चाय। वो कैसे बे? रुको बताते हैं। टी का मतलब होता है चाय और चार का मतलब होता है चार, तो हुआ ना चार कप चाय। बेटा याद करके आया? किसको सर? कल के लेसन को। नहीं सर, वो तो याद नहीं किया, लेकिन अपने गर्लफ्रेंड को याद करके आए। तेरी याद 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 में तेरे भेजिया ओ सावरिया। बेटा शुक्र मनाओ कि आज हम घर पे छोड़ के आए। क्या छोड़ के आए सर? डंडा। अच्छा डंडा, हमने सोचा कल छोड़ के आए हो। बेटा विद्यार्थी हो, विद्यार्थियों की तरह रहो। अगर हमसे ज्यादा विद्यार्थी क्या होता है सर? अरे विद्यार्थी का मतलब होता है विद्या का अर्थी, है ना सर? एक चाटा मार देंगे तो तेरी अर्थी निकल जाएगी बदतमीज का। टीचर को मजाक समझ कर रखा है। वैसे सर टीचर का मतलब क्या होता है? अरे तुमको टीचर का मतलब भी नहीं बताएगा। टीचर का मतलब होता है चार कप चाय। वो कैसे बे? रुको बताते हैं। टी का मतलब होता है चाय और चार का मतलब होता है चार, तो हुआ ना चार कप चाय।